अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बाद अली खान और आपको एक नया व्लॉग दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, और वो है जी अम्ब्रेला वाटरफॉल। तो अभी हम इंशाल्लाह अपनी जो मेरी शॉप है यहाँ से निकलेंगे और आपको इसका पूरा जो है विज़िट करवाएंगे और रास्तों का भी बताएंगे। इंशाल्लाह आपने वीडियो को अंत तक देखें।
अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ इबाद अली ख़ान और आज हम आए हैं जी अम्ब्रेला वाटरफॉल। तो अम्ब्रेला वाटरफॉल तो आपका नाम सुना ही होगा, तो आज हम आपको अम्ब्रेला वाटरफॉल का विज़िट करवाएंगे। और अभी जो है हम अम्ब्रेला वाटरफॉल का जो ट्रैक है वो उस पर चलने लगे हैं और आपको इसका जो है पूरा व्यू है वो भी दिखाएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि हम तो अम्ब्रेला वाटरफॉल इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं 2015 2016 के अंदर, लेकिन हमने सोचा आज अपने व्यूअर्स को इसका नज़ारा करवाते हैं। और इसके हमने रास्ते की भी फुल वीडियो बनाई है और इसके जो ट्रैक्स हैं उनके अलग अलग हमने नेम भी वीडियो में मेंशन करने हैं ताकि जो भी लोग हमारे भाई दूर दराज से आते हैं उनको इसका कोई मुश्किल दरपेश ना आए। तो चलें हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, रास्ते की वीडियो आपको आगे दिखाते हैं, तो आप चेक कीजिएगा इंशाल्लाह। ये अम्ब्रेला वाटरफॉल का असल ट्रैक और इस तरह का ये रास्ता है नीचे जाने के लिए। वो देखें आपको लोग नज़र आ रहे हैं नीचे जाते हुए, तो इस तरह ये यहाँ से चल के जाना पड़ता है। और हमारे लिए तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि हम गांव के लोग हैं और आती हैं यहाँ पे ऊपर जो है ना चढ़ाइयाँ वगैरह चढ़ना उतरना, लेकिन जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके लिए थोड़े से यहाँ पे मुश्किलात दरपेश आती हैं। बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है। वो देखें वो सामने उन्होंने इसका ट्रैकिंग से वो रास्ता बनाया हुआ है जहाँ से लोग आ रहे हैं, लेकिन हम जो है ना पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं और हमारे लिए किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती। वाटरफॉल कैसा लगा? बहुत मज़ा आया भाई। मज़ा आया आपका? हाँ बहुत प्यारी जगह। आप कहाँ से आए हैं? कुराल चौक इस्लामाबाद। माशाल्लाह। बाकी आपको यहाँ के पहाड़ी नज़ारे कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। चलें जी। और ये हम अभी सामने रास्ते में जा रहे हैं और ये देखें मैंने जैसा कि आपको बताया हमारे लिए डिफ़िकल्टी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर से। कैसा लगा आपको अम्ब्रेला वाटरफॉल? बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आ रही होगी यहाँ से? बहुत ज़्यादा होगी। चलें कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह, थोड़ा सा रास्ता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। क्यों मेरी भाई जान? अस्सलाम वालेकुम। आसिफ फ्रॉम दिल्ली पाकिस्तान। भाई माशाल्लाह, ये भाई बहुत तगड़े हैं ये। अच्छा, 5 मिनट में नीचे जाएंगे और एक साल बाद ऊपर आएंगे। अच्छा चलें जी। अच्छा तो ये है जी ऊपर का मंजर अम्ब्रेला वाटरफॉल का, ये आप देख सकते हैं नीचे लोग खड़े हैं। ये इसके प्याले हैं जी, मुख्तलिफ प्याले। ये पहाड़ों का व्यू है और ये इसके जो हैं रास्ते हैं आने जाने वाले, आप देख सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं इनके लिए जहाँ पे बड़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। और बाकी जो है तुम्हें भाई कैसा लगा है अम्ब्रेला वाटरफॉल? रास्ता मुश्किल है? असल में यहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ को वहाँ इनको ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं लगता है। बहरहाल ये जो शहरी आवाम है इनको थोड़ी सी मुश्किल दरपेश आ रही हैं। आपने लोगों का जो है फीडबैक भी सुना होगा कि लोग कितनी मुश्किलात जो है लोगों को दरपेश आ रही हैं, तो हम तो अभी तक रिलैक्स महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और आगे भी हम जाके जो है ना रास्ता थोड़ा सा लंबा है तो आपको इंशाल्लाह आगे का व्यू भी दिखाएंगे। आपने इस वीडियो को ज़रूर एंड तक। रस्सी पकड़ कर करते हैं यहाँ से नीचे, जैसे कि ये देखें आप नज़र आ रहा होगा। ये है जी अम्ब्रेला वाटरफॉल का ब्यूटीफुल नज़ारा। अम्ब्रेला वाटरफॉल इंजॉय कर रहे हैं जी। आपको मेरे पीछे अम्ब्रेला वाटरफॉल नज़र आ रही है,
रस्सी को पकड़ रहा था, लेकिन मेरे ये मुश्किल आ रही थी, उनके पास मोबाइल भी था तो थोड़ा मुश्किल था। वो देखे ऊपर से वहाँ नीचे आ रही है सर, बहुत सारे वो जितने भी जो है टूरिस्ट हैं वो यहाँ से नीचे आ रहे हैं, जहाँ बहुत सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो माहौल बना हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे जो थोड़ी सी बुरी लगी, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वो हमारे माहौल में कितना असर। मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे माहौल में सबसे जो है ना नज़रअंदाज जिसमें हम कर देते हैं हर जगह पर, वो है वो लोग बनाना। देखें घूमना फिरना टूरिस्ट ये जो ऐसा है, ये तो हमें अलग पाक की तरफ से नेमत दी हुई है जो हम इसको अवेयर करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं खासकर वो सफाई का भी खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि जो हमारे शहरी हजरात जो भाई जान पंजाब या विदेश सफर करके आते हैं, हमारा उनको ये पैगाम है कि आप काइंडली मेहरबानी करके ये जो गंदगी है इसको एक खसूस जगह फैला करें, कहाँ के जहाँ का जो माहौल वो किसी डिस्टर्बेंस के ना क्रिएट और बीमारियाँ ना। चला अलैकुम जी, ये हमारे भाई हैं जी कुकिंग कर रहे हैं। तो अलैकुम भाई, अलैकुम भाई, थोड़ा सा पीछे भाई, कहाँ से आए हैं आप? मुझे बात है कैसी लगी आपको बिना बार पास? ठीक है, रास्ता कोई डिफिकल्ट तो नहीं था? देखो स्केटिंग, तो ये भाई जी स्केटिंग का बोल रही है कि वो हो जाए, तो इसकी जगह ये भाई कुकिंग भी कर रहे हैं। यहाँ आपने ये पूजा वाले सहम हुए हैं तो माशाल्लाह जी, ये भाई भी मेरे साथ मौजूद है जी। और हम ब्लॉग बना रहे थे जी, और हमारे जो इधर कुछ भाई हैं वो गुजरांवाला साहब में हमें बोल रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू भी करें, तो चलें हम उनसे पूछते हैं जी कि उनको ये अम्ब्रेला वाटर फॉल किस तरह का लगा। तो हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं जी। भाई आपका नाम? मेरा नाम उमेश कोकर। उमेश कोकर, और उमेश भाई आप हमें ये बताएँ आप कहाँ से आए? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से आपको ये अम्ब्रेला वाटर फॉल किस तरह है? बहुत प्यारी लगी है, तो इंशाल्लाह अगले ईयर के अंदर आएंगे। चले जी, तो आपको कोई रास्ते में कोई मुश्किल पेश आई है आते हुए? मुश्किलात ये वाली सारी आई है, इधर ऊपर से इतना पैदल आना पड़ता है यार, बंदा जो था ना थक जाता है। चले इंशाल्लाह वो वक्त के साथ साथ अल्लाह करेगा ये मुश्किलात भी जो है कम हो जाएंगी। और माशाल्लाह ये भाई लोग आप देख रहे हैं वीडियो में, मैंने आपको बताया कुकिंग भी कर रहे हैं, और ये इनके साथ दूसरे भाई भी मौजूद हैं। भाई आपका नाम क्या है? बास जी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में मेंशन किया था, बास भाई ये भी गुजरांवाला से आए हुए हैं, और इनको ये अम्ब्रेला वाटर फॉल बहुत पसंद आई है। बाकी हम गुजरांवाला पहलवानों के शहर से, ये देख लें आप दिखा लें, ये देख भाई माहौल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आने जाने का जो रास्ता ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। असल में पता है क्या, मैंने भी एक चीज़ मैंने नोट की है कि ये जो लोग गंदगी बना रहे हैं, देखिए ये माहौल है बुरा असरअंदाज होता है, जैसे देखें जो चीज़ें पानी में फेंक देते हैं, इस तरह मैं कहता हूँ ये चीज़ें भी कम होता है, क्योंकि जो हमारी जो ये जो आलूगी है ये हमारे माहौल को डिस्टर्ब करती है, वैसे यहाँ से बीमारियाँ फैलती है, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, इसको मैं कहता हूँ लोग जरा सा साफ रखें।
गाइस हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें अबाद अली व्लॉग। अरे लोग भाई यहाँ भी कुकिंग कर रहे हैं, ये और अभी हम जो है अम्ब्रेला वाटरफॉल को सी ऑफ कर रहे हैं जी, और यहाँ से जो है वापस से आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आपने कमेंट सेक्शन में ही बताना है कि आपको अम्ब्रेला वाटरफॉल का जो व्यू है वो किस तरह का लगा है। और वापसी का ट्रैक हम वापस आ रहे हैं और आप ये देख सकते हैं सामने से हम चढ़ रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आई और ना हम थके हैं। तकरीबन हमने शरण लगाई हुई है कि हम 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो रास्ता साफ करेंगे ऊपर। और ठीक है मिस्टर मेरे साथ जो दबाए हुए थे वो अभी तक जिस चढ़ाई को जो है सर नहीं कर सके, देख सकते हैं आप आगे। जैसा कि हमने शरद लगाई थी लेकिन शरद हम मार चुके हैं, थोड़ी सी जो है चढ़ाई मुश्किल थी, बहरहाल फिर भी जो है हमने 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने जो है सफ़र का इंतजाम करके हम पहुँचे हैं। फाइनली हमारा व्लॉग जो है आज का व्लॉग एंड हो गया है, और अभी हम ये आपको मेरे बैक साइड पे जो वाटरफॉल नज़र आ रही है ये इसको बोलते हैं सुजीकोट वाटरफॉल। जब हम अम्ब्रेला वाटरफॉल से वापस आते हैं तो जाते हुए भी ये रास्ते में आती है, और ये हम वापसी पे ऐसे खड़े हुए हैं तो सोचा आपको ये सुचार का भी नज़ारा करवा दें। करता हूँ आपको हमारा ये आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो काइंडली आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि जब हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, और इंशाल्लाह मज़े मज़े के व्लॉग आगे भी आपके लिए लेके आएंगे। और इसके अलावा भी हमें बहुत सारी इधर अबशारों का पता है, इंशाल्लाह हम वो भी अपने चैनल में आपके लिए लेके आएंगे। तो हमारी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।